देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। बिजनौर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में 8 पशु तस्कर को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2 वाहन समेत 3 तमंचे और चाकू भी बरामद किए गए हैं। दरअसल नहटौर पुलिस के हत्थे चढ़े ये 8 पशु तस्कर, जो पिछले कई सालों से पशु चुरा कर उनको बेचने का काम कर रहे थे, पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना पर चोरी की योजना बना रहे पशु चोर तस्कर को काबू करने के लिए मुठभेड़ के दौरान 8 पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से चोरी के पशु लादने के 2 वाहन समेत 3 तमंचे और चाकू बरामद किए गए। सभी पशु तस्कर के खिलाफ पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। गिरफ्तारी की गई है मुठभेड़ में, और ये सभी के सभी पशु चोर और तस्कर हैं। पीछे काफ़ी सारी आसपास के इलाकों से भैंस चोरी की घटनाएं होती रही, और इसमें उन्होंने अच्छी सूचना जब उनको मिली तो उस पर इन्होंने गाड़ा लगा करके गिरफ्तार किया है, और एक मुठभेड़ हुई इनके साथ जिसमें से कि 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 3 के पास से इसमें कंट्री मेड पिस्टल्स मिली हैं, 5 के पास से चाकू हैं, और वो वाहन मिले हैं तो जिससे कि ये पशु चोरी करके ले जाते हैं। ये मामला नहटौर थाना क्षेत्र के धामपुर रोड का है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।